हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मंगलास किचन। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये नाश्ता है ना, ये खाने में इतना ज़्यादा स्वादिष्ट है कि क्या बताऊँ। और ये बनाने में भी बहुत इजी है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कप जो है सूजी ले लिया है। ये मोटा दाना वाला सूजी है, तो आप कोई भी सूजी ले लीजिए, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले लिया है। अब इसमें जितना मैंने सूजी लिया है, उसका आधा मैंने यहाँ पे बेसन लिया है, यानी कि हाफ कप। और यहाँ पे देखिए, 2 चम्मच मैंने दही लिया है। तो दही जो है, आप इसका क्वांटिटी आप अपने हिसाब से आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे डाल दिया है। अब जो है, यहाँ पे मैं पानी लूँगी और फिर ज़रूरत के हिसाब से जितना चाहिए उस हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा डालते हुए एक स्मूथ बैटर इसका बना लूँगी, अच्छा सा घोल बना लूँगी। तो देखिए, मैंने बना लिया है, देखिए एकदम स्मूथ बैटर एक बना लिया है। अब इसे ढक के 10 मिनट में छोड़ दूँगी ताकि ये सेट हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए, हमारा जो सूजी है वो अच्छे से जो है फूल चुका है, कितना गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ लिया है, जैसे कि प्याज, कैप्सिकम, गाजर, हरी मिर्च और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लिया है। मैंने इसका जो माप है वो मैंने नहीं बताया, इसलिए ताकि आप लोग जब बनाएं अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा आप इसे डाल सकते हैं। और जो भी सब्ज़ी आप खाते हैं वो डाल सकते हैं, जो नहीं खाते हैं उसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नमक डाला है स्वाद के अनुसार। अब यहाँ पे मैं और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमारा बैटर जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। तो यहाँ पे और थोड़ा सा पानी डाल के अब जो है मैं इसे अच्छे से जो है फेंट के स्मूथ बैटर बना लूँगी। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी है फ्रेंड्स, क्या बताऊँ। और खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। अब पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो अब जो है यहाँ पे देखिए, मैंने 1 पिंच, ज़्यादा नहीं, एकदम 1 पिंच यहाँ पे मैंने बेकिंग सोडा डाला है। तो ये आप चाहे तो डालिए या तो ना डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डालने से क्या है, हमारा नाश्ता जो है थोड़ा सा नरम और फ्लफी बनेगा। तो देखिए, ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करेंगे और उसके लिए यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है और इसमें जो है मैं मक्खन दे रही हूँ, मतलब लगा रही हूँ। तो आप इसे तेल से भी बना सकते हैं या घी से बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप उसी से ही अब बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए मक्खन लगा दिया है और गैस को जो है मैंने अभी धीमा कर दिया है। अब जो हम ये बैटर लेंगे और इसे जो है इसमें हम डाल देंगे। तो यहाँ पे पूरा बैटर मैंने डाल दिया है और अच्छे से मैं एक चम्मच से जो है इसे स्मूथ कर रही हूँ ताकि इवनली दिखने में लगे। और फिर इसे मैं ढक के जो है एक साइड से इसे 5 मिनट कुक कर लूँगी। तो देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसे उलटाने से पहले मैं इसमें जो है थोड़ा सा मैं पहले ऊपर से इसमें बटर मैं डाल लूँगी ताकि जो है अच्छे से इसमें अच्छे से लग जाए। उलटाने के बाद भी इस तरफ भी जो है हमारा जो बटर है वो अच्छे से इसमें लगा रहे, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर इसमें डाल रही हूँ, लगा रही हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा, आपको जो पसंद है आप उसी से ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, किनारे पे भी मैं थोड़ा सा बटर जो है वो लगा रही हूँ। ये खाने में बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स। सुबह के टाइम ना इस तरह का नाश्ता खाने के बाद क्या होता है, एकदम मूड बन जाता है। तो अब मैं इसे देखिए पलट दिया है, देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है इस तरफ से। और फिर से मैं जो है यहाँ पे भी थोड़ा सा बटर मैं लगा रही हूँ, क्योंकि ये एकदम सूखा सूखा दिखने में लग रहा है। और इस बटर को लगाने के बाद मैं फिर से इसे ढक दूँगी और इस तरफ से भी जो है 5 मिनट कुक कर लूँगी। तो देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। तो मैं इसे अब जो है गैस को मैंने थोड़ा सा हाई कर दिया है ताकि नीचे का पोर्शन जो है वो अच्छे से थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए, मतलब कलर इसका अच्छा सा आ जाए, इसलिए मैंने गैस को हाई पे कर दिया है। और फिर इसे अच्छे से इसे थोड़ा सा दबा दबा के इसे भून लूँगी। तो अब देखिए, मैं इसे सीधा कर लेती हूँ, तो इसे मैंने पलटा दिया है। तो देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आ चुका है। अब मैं ऊपर से भी थोड़ा सा इसके फिर से मैं थोड़ा सा बटर इसमें लगाऊंगी और ये हमारा नाश्ता जो है ये एकदम बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो अब मैं इसे निकाल लूँगी। हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने गैस को बंद कर दिया है, अब इसे मैं निकाल लूँगी। तो देखा फ्रेंड्स, कितना फटाफट से ये बन गए हमारा नाश्ता। आप सुबह के टाइम इस तरह से बनाइए, एक बार आप खाएंगे ना तो आप लोग मतलब हमेशा इस तरह से बना के खाएंगे। तो देखिए, दिखने में एकदम मज़ेदार लग रहा है ना। तो चलिए अब मैं इसका जो है इसे कट कर लूँगी। तो अब इसका जो कट है ये आप लोग अपने हिसाब से कटिएगा, क्योंकि बना रहे हैं, खुद ही खाएंगे, तो आप जैसे आपको अच्छा लगेगा आप उसी तरह से इसे कट कीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे पिज़्ज़ा स्टाइल का मैं कट कर रही हूँ। तो देखिए इसका स्लाइस देखिए, कितना मज़ेदार सा ये दिखने में लग रहा है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, कितना फटाफट से बन गए ये हमारे नाश्ता। और आपने देखा कि कितना ये खाने में भी कितना स्वादिष्ट है। तो आई होप आज का रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर इसी तरह के नए नए रेसिपी आप लोग देखना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकॉन है उसे दबाइएगा, तभी मेरे इनकमिंग जितने भी वीडियो के नोटिफिकेशन हैं आपके पास तुरंत पहुँच जाएंगे।